आप कहाँ पैदा हुए, आप कितने गरीब हैं, आपकी जाति क्या है, इनमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप सब बदलने की ताकत रखते हैं। गरीब से अमीर और गुमनाम से नामी, जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रिंकू ने। ये वही रिंकू है जिसे कल तक बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज वही रिंकू सबकी जुबान पर है। असंभव को भी संभव जो कर देता है उसका नाम है रिंकू सिंह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल IPL 2023 में शनिवार को गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक शानदार मैच देखने को मिला। इस मैच में KKR ने GT को 3 विकेट से हरा दिया। वैसे तो इस मैच में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन KKR के रिंकू सिंह इस मैच में हीरो बनकर उभरे। उन्होंने मैच की आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर KKR को शानदार जीत दिलाई। रिंकू सिंह के इस कारनामे के बाद देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खेल प्रेमी और बड़े बड़े खिलाड़ी सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे हैं। रिंकू सिंह की इस पारी ने उनको IPL के बड़े स्टार में शामिल कर दिया है। रिंकू सिंह को आज दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन अलीगढ़ के इस लड़के की यहाँ तक पहुँचने की कहानी बहुत संघर्षों से भरी है, जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस गरीबी से निकलकर उन्होंने नाम बनाया है वो काबिले तारीफ है। अविश्वसनीय पारी के बाद अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिर कौन है ये रिंकू सिंह। आइए हम आपको रिंकू सिंह के बारे में सब कुछ बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलीगढ़ का यह लड़का 9वीं कक्षा में फेल हो चुका है। क्रिकेट में यहाँ तक पहुँचने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्हें पोछा लगाने तक की नौकरी मिली, फिर उन्होंने क्रिकेट को ही अपना जुनून बना लिया। रिंकू सिंह को साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। 2019 में अचानक ही उनकी गाड़ी का ब्रेक लग गया। BCCI ने उन पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया। दरअसल 2019 में परमिशन लिए बिना ही वो अबूधाबी T20 टूर्नामेंट में खेलने चले गए थे, जिस वजह से BCCI ने उन्हें बैन कर दिया। मगर वापसी के बाद उन्होंने अपने खेल को और गंभीरता से लिया और आज उन्होंने अपने बल्ले की भी धाक जमा दी। करीब 5 साल बाद उनका नाम हर किसी की जुबान पर है। उन्होंने जो कर दिखाया उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए हैं। उन्होंने 21 गेंदों पर 48 रनों की नाबाद पारी खेलकर नामुमकिन कारनामों को मुमकिन कर दिखाया। इस पारी में रिंकू ने 1 चौका और 6 छक्के लगाए और अपनी टीम KKR को शानदार जीत दिला दी। पर उनका सफर KKR तक आने का आसान नहीं रहा। उनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा है। आइए एक एक करके जानते हैं उनके जिंदगी के सभी पहलुओं को। रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं और करीब 5 साल से KKR का हिस्सा है। 25 साल के इस खिलाड़ी को अक्सर शानदार फील्डर और युवा टैलेंट कहा जाता था, लेकिन दुनिया के लिए जानना बाकी था कि यह युवा एक शानदार बल्लेबाज भी है। ऐसा ही उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच में करके दिखा दिया है, लेकिन यह तो उनकी सफलता के दिन है। इसी बीच दुनिया को अब उनकी गुर्बत भरी जिंदगी के बारे में भी पता चल रहा है। रिंकू एक बेहद ही गरीब परिवार के थे। जिस गेंद को आज वह बाउंड्री के पार मार रहे थे, कभी उनके पास एक मामूली 5 रुपए की गेंद भी खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके पिता एक गैस सिलेंडर वेंडर है। उनके 4 और भाई हैं। कोई ऑटो चलाता है तो कोई मजदूरी करता था। दो वक्त की रोटी भी रिंकू के घर में बड़ी मेहनत से बन पाती थी। रिंकू परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पिता उनके क्रिकेट खेलने पर गुस्सा करते थे, लेकिन वह किसी की सुनते नहीं। बचपन से ही मानो उनका दिमाग भगवान ने ऐसा बना दिया था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और रिंकू भी समझदार होते गए। उन्हें भी घर का गुजारा करना था और काम तलाशने लगे। वह कोचिंग सेंटर में पोछा लगाते थे। क्रिकेट के लिए जुनून उनके मन में बचपन से था। अचानक रिंकू ने नौकरी छोड़ी और क्रिकेट की तरफ बढ़ने का मन बना लिया। उन्हें एहसास हो गया था कि क्रिकेट ही उनके परिवार के दुखों को दूर करेगा। भगवान इस दुनिया में खुद नहीं होते, लेकिन उन्हें अगर किसी को बनाना होता है तो किसी न किसी के रूप में आकर बना जाते हैं। ऐसा ही रिंकू की जिंदगी में हुआ। रिंकू के जीवन को बदलने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। रिंकू सिंह खुद का भविष्य क्रिकेट में बनाने की ठान चुके थे। उनके सभी भाई उनका साथ देते थे। इसी बीच वह 2 बार अंडर 16 ट्रायल के पहले राउंड से बाहर हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में अलीगढ़ के मोहम्मद जीशान उनकी मदद के लिए आगे आए। इसके बाद रिंकू सिंह को शुरुआती दिनों में अलीगढ़ के ही मसूद अमीन से कोचिंग मिलने लगी। मसूद आज भी उनके कोच है, जबकि मोहम्मद जीशान से मिली मदद और मार्गदर्शन ने रिंकू सिंह के जीवन में अहम भूमिका निभाई। फिर रिंकू की घरेलू क्रिकेट में एंट्री हुई। वह रणजी खेली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती गई। उन्होंने घर बनवाया, कर्ज भरा, सब कुछ करना शुरू कर दिया। इन सब के बाद 2018 में जब शाहरुख खान ने अपनी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन पर विश्वास दिखाया, वहां से उनकी किस्मत और बदली। अब यह सितारा इस कदर चमका है कि उनकी चमक के आगे राशिद खान की हैट्रिक भी
फीकी पड़ गई। इसलिए सितारे को आज क्रिकेट जगत का हर फैन दिल से बधाई दे रहा है और उनकी जिंदगी के इस सफर को जानकर और दुआएं उनके लिए हर किसी के जहन से निकल रही है। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई टीम आखिरी 5 बॉल पर 5 छक्के जमा कर जीती है। वहीं रिंकू सिंह भी आईपीएल के एक ओवर में 5 छक्के जड़कर एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं। इस क्लब में क्रिस गेल, राहुल तिवेतिया, रविंद्र जडेजा पहले से ही शामिल है जो आईपीएल के एक ओवर में 5 छक्के लगा चुके हैं। एक ही नहीं ऐसे कई रिंकू हैं। अपनी गरीबी देखकर अगर रिंकू भी कहीं नौकरी कर लिए होते तो कल आईसीसी उनके लिए ट्वीट नहीं करता। रिंकू जैसे कई हैं, अपने अपने फील्ड में गर्दा उड़ाने की ताकत रखते हैं, बस भरोसा नहीं कर पाते खुद पर। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी, एकदम घबराना नहीं चाहिए, लगे रहिए। एक दिन झाड़ू हाथ आएगा, उसी दिन ऐसा बहारिएगा कि दुनिया देख लेगा। बस धैर्य और लगन से मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आपको कैसी लगी रिंकू की ये स्टोरी और रिंकू के शानदार पारी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।